स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन और आंसर्स लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, 2018-19 में जीएसटी राजस्व रिकॉर्ड में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 2018-19 में जीएसटी राजस्व रिकॉर्ड में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? ए 1.13 खरब, बी 2.13 खरब, सी 20.13 खरब और डी 18.13 खरब। इसका सही आंसर है ए 1.13 खरब। अप्रैल में वस्तु व सेवा कर का रिकॉर्ड 1.13 खरब रुपए तक पहुंच गया है। मार्च में यह रिकॉर्ड 1.06 करोड़ रुपए था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत की अपूर्वी चंदेला महिलाओं की कितने मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बनी? भारत की अपूर्वी चंदेला महिलाओं की कितने मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बनी? ए 15 मीटर, बी 10 मीटर, सी 5 मीटर और डी 20 मीटर। इसका सही आंसर है बी 10 मीटर। दोस्तों, भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बन गई हैं। उनके 1926 रैंकिंग पॉइंट्स हैं। भारत की अंजुम मोदगिल इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। अंजुम के 1695 रैंकिंग पॉइंट्स हैं। हाल ही में अंजुम मोदगिल ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। अपूर्वी चंदेला और अंजुम मोदगिल 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारत की युवा निशानेबाज मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल श्रेणी में विश्व में 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, किस महिला फुटबॉलर ने इंग्लैंड में प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन यानी कि PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? किस महिला फुटबॉलर ने इंग्लैंड में प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन यानी कि PFA प्लेयर ऑफ ईयर का खिताब जीता? ए वर्जिन वॉन्डिक, बी मार्ता, सी सनवे और डी केली स्मिथ। इसका सही आंसर है ए वर्जिल वॉन्डिक। दोस्तों, फुटबॉलर वर्जिल वॉन्डिक ने इंग्लैंड में प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन यानी कि PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। वॉन्डिक प्रीमियर लीग में लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए खेल। वॉन्डिक PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले नीदरलैंड के चौथे खिलाड़ी हैं। वॉन्डिक 2005 के बाद इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले डिफेंडर हैं। इस पुरस्कार की दौड़ में रहीम स्टर्लिंग, सर्जियो अगुएरो, बर्नार्डो सिल्वा, सादियो माने तथा ईडन हैजर्ड भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में किन देशों के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? हाल ही में किन देशों के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ? ए चीन और पाकिस्तान, बी अमेरिका और जापान, सी फ्रांस और अमेरिका, डी भारत और फ्रांस। इसका सही आंसर है डी भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास गोवा के निकट शुरू हो गया है। इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत सबसे पहले 1983 में हुई थी। इसका नाम वर्ष 2001 में वरुण रखा गया था। इस अभ्यास का आयोजन 1 मई से 10 मई के बीच में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्न में से कौन जापान के 126वें राजा होंगे? निम्न में से कौन जापान के 126वें राजा होंगे? ए नारुहितो, बी मिचिको, सी सी जिंग चुंग और डी अकीहितो। इसका सही आंसर है ए नारुहितो। दोस्तों, जापान के सम्राट अकीहितो ने अपने पद को त्याग दिया है और 85 वर्षीय अकीहितो
पिछले 3 दशक के सम्राट के पद पर बने हुए थे। जापान के सम्राट के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती। पिछले 200 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जापान के सम्राट ने अपने पद का त्याग अपनी इच्छा से किया। उनके पद त्याग के साथ ही हेइसेई काल का भी समापन हो गया है। इस काल का आरंभ 8 जनवरी 2089 को हुआ था। अब उनके साथ उनके पुत्र नारुहितो नए सम्राट बनेंगे। नारुहितो के पद ग्रहण के बाद रीवा नामक एक नए काल का आरंभ होगा। नारुहितो जापान के 126वें सम्राट बने। क्वेश्चन नंबर 6। इंग्लैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को राइटर्स एसोसिएशन द्वारा 2019 का फुटबॉल ऑफ द ईयर नामित किया गया? इंग्लैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को राइटर्स एसोसिएशन द्वारा 2019 का फुटबॉल ऑफ द ईयर नामित किया गया? ऑप्शन ए टोनी क्रूज, बी डेविड सिल्वा, सी रहीम स्टर्लिंग और डी मोहम्मद सलाह। इसका सही आंसर है दोस्तों सी रहीम स्टर्लिंग। दोस्तों इंग्लैंड के रहीम स्टर्लिंग को फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा 2019 का फुटबॉल ऑफ द ईयर नामित घोषित किया गया। फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के 400 सदस्यों में से रहीम स्टर्लिंग को 62% वोट मिले। रहीम स्टर्लिंग प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इग्नू यानी कि IGNUO इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने किस स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर GST पर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया है? इग्नू ने किस स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर GST पर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, सी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज और डी बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज। इसका सही आंसर है ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने यानी इग्नू ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर वस्तु व सेवा कर पर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य GST अधिनियम के तहत आधारभूत ज्ञान तथा कौशल प्रदान करना है। ये उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो अकाउंट्स का कार्य करते हैं तथा जो विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष रिटर्न भरते हैं। इसके द्वारा बुक कीपिंग प्रोफेशनल कौशल प्रदान भी किया जाएगा। इसके कोर्स के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। ये कोर्स जनवरी से जुलाई के बीच में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने 45 दिवसीय माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन को लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने 45 दिवसीय माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन लॉन्च किया है? ए नेपाल, बी अफ्रीका, सी पाकिस्तान और डी अमेरिका। इसका सही आंसर है ए नेपाल। दोस्तों नेपाल सरकार ने माउंट एवरेस्ट की सफाई के लिए 45 दिवसीय माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य माउंट एवरेस्ट पर फैले हुए कचरे को वापस लाना है। इस अभियान का नेतृत्व सोलुखुम्बु जिले के खुम्बू पासंगहम ग्रामीण नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य माउंट एवरेस्ट से 10,000 किलोग्राम कचरा वापस लाना है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने वार्षिक इंडिया गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन अवार्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज ए प्लेयर का पुरस्कार जीता? हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने वार्षिक इंडिया गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन अवार्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज ए प्लेयर का पुरस्कार जीता? ए गगनजीत भुल्लर, बी शिव कपूर, सी ज्योति रंधावा और डी अर्जुन अटवाल। इसका सही आंसर है ए गगनजीत भुल्लर। दोस्तों भारत के स्टार गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने वार्षिक इंडिया गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन अवार्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज ए प्लेयर का पुरस्कार जीता। इस इवेंट का आयोजन दिल्ली गोल्फ क्लब में किया था। भुल्लर ने 2018 फिजी इंटरनेशनल तथा एक यूरोपियन टूर इवेंट जीता। क्वेश्चन नंबर 10। बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ए रफील नडाल, बी डोमिनिक थिएम,
सी केई निशिकोरी और डी फेबियो फोगनिनी। इसका सही आंसर है बी डोमोनिक थियम। दोस्तों डोमोनिक थियम ने बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने डेनियल मेडवेडेव को 6-4, 6-0 से हराया। इस खिताब के साथ ही डोमिनिक थियम थॉमस मस्टर के बाद बार्सिलोना खिताब जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों ये था 2 मई 2019 का करंट अफेयर।